हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक्टोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे एनआईएसएम सीरीज 5A मॉक टेस्ट फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जाम। इसमें हमारी कुछ मल्टीपल वीडियोस होंगी, बट आई एम श्योर अगर आप इनको गो थ्रू करेंगे और इनके पैटर्न को स्टडी करेंगे और ये क्वेश्चंस के आंसर्स को समझेंगे तो डेफिनेटली आप इस टेस्ट को बहुत इजिली पास कर पाएंगे। इसमें हम आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, इसमें हम आपके आंसर्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ में आपको ट्रिक्स भी बताएंगे काफी कुछ क्वेश्चंस की कि इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, कैसे आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज पेड कमीशन फॉर, कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है म्यूचुअल फंड का, जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स को पब्लिक में सेल करता है, उसको कमीशन किस चीज के लिए और कब तक मिलता है, इज पेड फॉर। इसमें लिखा हुआ फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय द इन्वेस्टर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय द इन्वेस्टर्स, फर्स्ट 10 ईयर्स एंड एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर्स हेल्ड द इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी, जब तक इन्वेस्टमेंट रहेगा, जब तक उसके ब्रोकर को, डिस्ट्रीब्यूटर को और एजेंट को उसका कमीशन मिलता रहेगा। उस कमीशन को हम पहले अपफ्रंट कमीशन बोलते थे, बट अब सेबी ने वो बैन कर दिया है, तो ट्रेल कमीशन मिलता है। तो ट्रेल कमीशन जब तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट रखेगा, तब तक उसको ये कमीशन मिलता रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। सेकेंड क्वेश्चन है, द गाइडलाइन इश्यूड बाई एमफी फॉर इंटरमीडियरीज आर नोन एज। तो देखिए एमफी क्या होता है, एमफी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अब अगर अब आप इसकी गाइडलाइन को देखेंगे तो आपका आंसर आप इसी में ही है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारे पास आंसर है अग्नि। अग्नि का फुल फॉर्म हुआ एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर। उसका इसका सिंपल सा फुल फॉर्म ही अगर आपको याद हो गया तो आप इसको बिल्कुल याद कर पाएंगे। तो एमफी की जो गाइडलाइंस हैं वो इंटरमीडियरीज की, जो इंटरमीडियरीज होती हैं, एएमसीज होती हैं, तो ये एमफी जो गाइडलाइन बनाता है उनको क्या बोलते हैं, अग्नि। ए स्टैंड फॉर एमफी, जी स्टैंड फॉर गाइडलाइन, नॉर्म्स, एन स्टैंड फॉर नॉर्म्स एंड आई स्टैंड फॉर इंटरमीडियरीज। तो एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। तो दोस्तों इसके क्वेश्चंस में ही आंसर था, आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको आंसर इसमें मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी नीड्स टू बी टेकन बिफोर ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज ट्रस्टी, ट्रू फॉल्स और आंसर। आंसर हमारे पास है इसमें ट्रू, जब भी कभी कोई ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे तो सेबी का अप्रूवल मैंडेटरी होता है। इसको हम याद ही कर सकते हैं कि ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट सेबी के अप्रूवल के बगैर नहीं होता। पर्सन अदर देन इंडियन रेजिडेंट शुड आल्सो कॉम्प्लाई विद आरबीआई गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन म्यूचुअल फंड, ट्रू फॉल्स। देखिए म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट करे तो चाहे वो इंडियन रेजिडेंट है या इंडियन रेजिडेंट नहीं है, सभी को सेबी और आरबीआई इनके रूल्स, आल्सो कॉम्प्लाई विद आरबीआई गाइडलाइंस, क्योंकि आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस फेमा वगैरह पे, मनी लॉन्ड्रिंग, देन फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, इसकी सभी की रेगुलेशंस भी आ जाती है। इसलिए जो भी अदर देन द इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनको आरबीआई गाइडलाइंस को भी कॉम्प्लाई करना पड़ता है। इसका आंसर हो गया हमारे पास ए, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, द इन्वेस्टमेंट इन एमएफ पोर्टफोलियो आर वैल्यूड एट, कि जो एमएफ का म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो होते हैं उसमें जब स्टॉक्स होते हैं सारे, उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा हमारे पास ऐसे ऑप्शन हो गए, फेस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एंड बुक वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड का कैसे वैल्यूएशंस करते हैं, जो डेली क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, पोर्टफोलियो में आप पता है बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो उनका स्टॉक्स का जो भी प्राइसेस होता है, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, वही म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का वैल्यू होता है। हेंस आंसर इज सी।
इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। देखिए इसमें ऑप्शन है हमारे पास, इवेल्युएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, डेटा गैदरिंग एंड गोल सेटिंग, एस्टेब्लिशिंग क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप एंड प्लान रिव्यू। देखिए सबसे पहले जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फाइनेंशियल प्लानर है और जो क्लाइंट है उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, पहले एक रेपो बिल्डिंग होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले हमारे पास आंसर आ जाता है सी। एक बार रिलेशनशिप बन जाता है फिर क्या होगा, फिर होगा हमारे पास डेटा गैदरिंग एंड गोल सेटिंग। डेटा इकट्ठे करेंगे, वो अपनी इनकम बताएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग बताएगा, गोल्स बताएगा। उसके बाद इसका मतलब बी हो गया हमारे पास, तो फर्स्ट स्टेप हो हमारे पास क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप, यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो गया सी। बट उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स आते हैं प्लानिंग में और इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में, फिर इसमें सेकेंड स्टेप आएगा डेटा गैदरिंग एंड गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के बाद फिर आएगा थर्ड पोर्शन हमारे पास, इवेल्युएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, कि अब गोल्स को फुलफिल करने के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। और फिर वहां पर जब इन्वेस्टमेंट कर दें और वहां पर जब अल्टरनेटिव कर लें, फिर जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद लास्ट में फिर हम उस प्लान को रिव्यू करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप वन में क्लाइंट प्लानर एंगेजमेंट रिलेशनशिप, देन गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, डेटा गैदरिंग, फिर जो इन्वेस्टर है वो अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करेगा, प्रॉब्लम एरियाज एंड अपॉर्चुनिटीज, फिर डेवलप एंड प्रेजेंट द रिटर्न फाइनेंशियल प्लानर, प्लान डिक्लेयर करेगा फाइनेंशियल प्लानर, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे फाइनेंशियल प्लान को, और फिर उसको मॉनिटर और रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के ये फोर्थ पार्ट था हमारा, इसमें हम अप्रोक्सीमेटली अभी तक 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं लास्ट फोर पार्ट्स में। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग, और मैं यहीं